हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी KGOME की वैकेंसी से रिलेटेड। हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है KGOME के अंदर, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ कैंडिडेटों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी तक जो पोर्टल है ओपन नहीं हुआ है। तो आप सभी को मैं बता दूँ, फाइनली जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। लेकिन जो मेन बात करेंगे हम एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में हम आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यहाँ पर जो डिटेल है मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के डेट के बारे में। यहाँ पर तो एक नोटिस जारी किया गया था 19 अक्टूबर को, और उस अक्टूबर नोटिस के अंदर क्या हुआ था वो चीज यहां पर देखने लायक है। एग्जामिनेशन सेंटर हैव बीन रिवाइज एंड द ऑल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट मे गिव देयर द सेंटर प्रेफरेंस। यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो रिवाइज होना शुरू हो चुके हैं, और जो भी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है वो अपना जो सेंटर है वो चॉइस कर ले। लेकिन इसी के साथ साथ नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर दिख रही होगी कि एप्लीकेशन प्रोसेस बीइंग रीओपन, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है रीओपन हो चुकी है। यानी कि नेक्स्ट 7 दिन तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना है जो कैंडिडेट नहीं कर पाए हैं। बात है एग्जाम की जो डेट है उसके बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो एग्जाम डेट है यानी कि नोटिस के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आपकी रहेगी 26 नवंबर। यानी कि 26 नवंबर को आपका क्या होगा, एग्जाम करवाया जाएगा, ये फिक्स हो चुका है। यानी कि डिसाइड हो चुका है कि आपका KGOME का जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा 26 नवंबर को। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो जरूर इस वैकेंसीज को अप्लाई करते रहें। करिकुलम नोटिस के बारे में यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसमें देख लीजिए आपको कंप्लीटली डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको सेंटर हैं वो सेंटर भी दिए गए हैं कि लखनऊ है, आगरा है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा है, प्रयागराज है, गोरखपुर है। ये आपको सेंटर दिए गए हैं। इन्हीं सेंटरों में से आपको क्या करना है, चॉइस करना है। और जो कैंडिडेट दोबारा से रीओपन करना चाहते हैं, यानी कि जिन कैंडिडेटों को पहले मौका किसी कारणवश एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, KGOME का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो 10 दिन तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलने वाले हैं दोबारा से। तो 10 दिन के अंदर अंदर जो कैंडिडेट हैं जो भरना चाहते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ कैंडिडेट पहुँच रहे थे कि सर हमने पहले भर दिया, क्या दोबारा भरना है? तो इसलिए मैं देख लीजिए, प्लीज़ नोट प्रीवियस रजिस्टर्ड कैंडिडेट डू नॉट अप्लाई। यानी कि जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई कर चुके हैं वो कैंडिडेट दोबारा अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका जो पहले वाला फॉर्म है वो मान्य हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने जो सेंटर हैं वो आपको प्रीफ्रेंस कर लेने हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सेम पहले ही की रहेंगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले वाला ही मान्य हो जाएगा। और एग्जाम डेट है सबसे इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, 26 नवंबर की आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वैकेंसी को अप्लाई करें दोबारा से करना चाहते हैं, तो और जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं रेगुलरली तैयारी करते रहें जिससे ऐसे। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।